Hey guys, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब टोटल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सब टोटल मतलब बेसिकली क्या है, जब आप ऐड करोगे तो ये 60 रुपया जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर दिखना चाहिए, राइट। अगर मान लो आपने ये ऐड किया 120, 240, व्हाटएवर, तो यहाँ पर वो जो नंबर है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो दिखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक काम करते, पहले इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको अगर जावास्क्रिप्ट में रिड्यूस मेथड नहीं आता है तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगा एक बार रिड्यूस देख लो क्या है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं रिड्यूस मेथड का और फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज आ जाए। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेता हूँ और एरे लेता हूँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एरे पे काम करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर छोटा सा मैं एरे बनाने वाला हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मुझे यूज़ करना है रिड्यूस मेथड। ठीक है, तो सिंपली लिखना है रिड्यूस और ये कुछ इस तरह। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स, दो चीज़ें जाती है, एक तो है आपका कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर एक वैल्यू जाती है। यहाँ पर आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, और ये जो वैल्यू है इसका मतलब है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू है। 2 मिनट के लिए कोई टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। इससे पहले यहाँ पर दो पैरामीटर्स आते हैं, उसका नाम है, का नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर टोटल देता हूँ और दूसरा जो है आइटम देता हूँ। अब टोटल क्यों दिया, टोटल मतलब यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है ये सिंपली यहाँ पर हमें मिलती है, राइट। यहाँ पर मतलब अभी जब हम लिखेंगे अंदर, यहाँ पर कुछ इस तरह टोटल, ओके। तो इस टोटल के अंदर हमें क्या मिलता है, जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दी है। तो बेसिकली ये करता क्या है और काम किसे करता है वो पहले समझ लो। तो यहाँ पर पहले हमें टोटल मिलता है 0, क्योंकि आपने यहाँ पर 0 दिया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद आइटम क्या है भैया, तो आइटम जो है ये सिंपली हमारे जो जैसे मैप मेथड है वैसे वैसे ही काम करता है, कुछ अलग नहीं करता है, ये इटरेट करता है। और जो इतना भी आपका एरे है, मान लो तीन आइटम्स है इसके अंदर, तो ये तीनों आइटम्स आपको आइटम के अंदर इस आइटम वाले पैरामीटर में मिल जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। तो मान लो अगर मैं क्या बोलता हूँ कि चलो अभी आइटम में आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3 मिलेगा, ऑफ कोर्स 1, 2, 3 मिलेगा, राइट। चलो वो भी देख लेते हैं, मैं पहले तो आपको ये टोटल दिखा देता हूँ और इसको हम लोग लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जैसे ये रिटर्न करने वाला है, तो रिटर्न करने के लिए कुछ वेरिएबल तो लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, सब टोटल डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे, कंसोल लॉक सब टोटल, सब टोटल, ओके, कुछ इस तरह। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा बेसिकली टोटल में क्या दिखता है। तो देखिए यहाँ पर कार्ड JS21 में हमें 0 मिलता है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 डाला है, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है। अगर मान ले, मान लो आपने यहाँ पर 10 डाल दिया, तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 10 मिलेगा। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया कि भैया टोटल में हमें क्या मिलता है, ये वाली वैल्यू मिलती है। तो चलो इसको मैं 0 ही रख देता हूँ। और अभी जो आइटम है ना, सिंपली यहाँ पर डालेंगे। अब आइटम को मैं 0, सॉरी, आइटम को मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ 21 नंबर पे। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आइटम में देखिए आपको 3 मिलता है। अब 3 क्या है, मतलब 1, 2 और 3, क्योंकि आपके पास कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है ना। तो देखिए तो यहाँ पर यही चीज समझ नहीं, इतना तो आपको समझ में आ गया, आइटम में सारे अंदर के आइटम्स मिलते हैं एरे के अंदर, और टोटल में जो है आपका पहला वैल्यू यहाँ पर 0 मिलता है, ओके। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर क्या करो, 0 प्लस आइटम करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 टोटल प्लस आइटम करो, इतना समझ में आ गया। अब टोटल प्लस आइटम करने से क्या मिलता है देखता, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ पहले तो, और फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हमें देखिए टोटल यहाँ पर 6 मिलता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यही चीज़ है और यही समझना है हमें, रिड्यूस मेथड काम कैसे कर रहा है। तो देखिए तो ये करता क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें पहले 0 मिलता है, ओके। तो प्लस हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइटम है, तो आइटम का मतलब पहला वाला जो आइटम है यहाँ पर हमें क्या मिलता है, नंबर 1। तो इसकी जो टोटल होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर नंबर हमें 1 मिलेगा, करेक्ट। अभी जैसे ये 1 आ गया,
ये क्या बोलता है कि ये वन इसमें डाल दो। अब इसमें डाल दो का मतलब ही ये प्रीवियस वैल्यू हो चुकी है अभी, क्योंकि ये दूसरा आइटम चेक करने जा रहा है अभी। अब ये प्रीवियस वैल्यू क्या करेगा, इस टोटल के अंदर डाल देगा। प्रीवियस की वैल्यू मतलब ही नंबर वन, तो ये नंबर वन डाल दिया प्रीवियस वैल्यू। और फिर दूसरी वैल्यू चेक करने जा रहा है तो यहाँ पर नंबर डाल देगा दो, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो है वो है नंबर टू, ठीक है ना। अब इसकी टोटल क्या हो जाएगी, नंबर थ्री, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर थ्री हो जाएगा, करेक्ट। अब थ्री हो गई इसकी प्रीवियस वाली वैल्यू, मतलब ही टोटल के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर थ्री हो जाएगा। और फिर से लास्ट वाली जो है वैल्यू, यहाँ पर नंबर तीन है, तो थ्री प्लस थ्री क्या होता है, यहाँ पर सिक्स, और ये खत्म हो जाता है। देखिए जैसे ये सिक्स आ गया, खत्म हो गया, और हमें यहाँ पर आउटपुट सिक्स मिलता है। तो कुछ इस तरह काम करता है हमारा रिड्यूस मेथड। इतना समझ में आ गया, तो इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। तो चलो ठीक है, कंसेप्ट तो हम समझ गए, अब हमारा काम करेंगे। अब हमारा काम करने के लिए देखिए, कार्ड आइटम्स में आपको क्या मिलता है, 14 नंबर पे एक बार देख लो। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो देखिए मुझे मिलता है एक एरे, राइट। जो हम हमेशा देखिए लास्ट वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि हमें हमें ये जो यहाँ पर मिलता है ना, ये एरे मिलता है। सिंपली जो भी आप ऐड करोगे वो एरे मिलते जा रहा है, और जब यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो इसके अंदर क्या मिलता है, हमें क्वांटिटी बढ़ा के मिलती है। देखिए नंबर दो हो गया और इसके अंदर भी क्वांटिटी दो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने ऐड की है। तो इतना तो आपको आई होप समझ में आ चुका है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर कमेंट करके रख देता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए रख लो। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर इसका नाम भी मैं क्या करता हूँ ना, सब टोटल ही रख देता हूँ, ठीक है। तो यही वेरिएबल हम लोग आगे लेके जाएंगे और नीचे यूज़ करेंगे। तो सब टोटल में अभी मुझे रिड्यूस मेथड यूज़ करना है कार्ड आइटम्स पे। देखिए ये भी हमारा क्या है, एरे ही है, तो इसीलिए मैं कार्ड आइटम्स डॉट रिड्यूस करूँगा, ओके। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर पहला होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं इनिशियलाइज करूँगा नंबर ज़ीरो। मेरी स्टार्टिंग वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो रहे, ओके। और इसके अंदर नेम हम लोग सेम रखेंगे, टोटल होगा ये, टोटल मेरा शुरू में ज़ीरो रहेगा और यहाँ पर आइटम रहेगा, ओके। तो इतना समझ में आ गया। अब आइटम मतलब क्या, कार्ड आइटम्स के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आइटम के अंदर बारी बारी आएंगे, ओके। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोटल प्लस क्या है हमारा आइटम, ओके। अब आइटम नहीं है, हमें क्या करना है, हमारा कंसेप्ट हमारा लॉजिक क्या है वो चीज़ ध्यान में रखिए। इस आइटम के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना। तो एक काम करो, क्या करो यहाँ पर फिर से, चलो मैं दिखा देता हूँ, टोटल डाल के और फिर से 25 नंबर पे देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, नंबर ज़ीरो, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर देखिए नंबर ज़ीरो मिलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ज़ीरो डाला है, राइट। तो 25 नंबर पे ज़ीरो मिला। अब आइटम के अंदर फिर से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए आइटम अभी फिलहाल तो ब्लैंक कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक ऐड किया नहीं है कुछ। मान लो मैंने अभी ऐड कर लिया, तो देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्ट मिल जाता है वेलेंसिया ऑरेंज, और इसके अंदर देखिए क्वांटिटी भी अवेलेबल है। अभी मान लो मैंने चलो दूसरा ऐड शुगर केन किया, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, 25 नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये शुगर केन आपने ऐड किया, अच्छी बात है। यहाँ सॉरी, ये वेलेंसिया किया, यहाँ पर देखिए शुगर केन भी आ जाता है क्वान्टिटी वन के साथ। मान लो मैंने इसका क्वान्टिटी ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्वान्टिटी भी दो हो जाती है। तो एक चीज़ इतना तो समझ में आ गया क्या, यहाँ इसके अंदर आ क्या रहा है, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बेसिकली करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर की जो क्वांटिटी है ना, उसको हमें प्राइस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही काम करना है हमें, और हमें कुछ नहीं करना है। तो इसको कैसे करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर हमें दिखानी है, क्योंकि रिटर्न में हमें इसकी वैल्यू लेनी है। मान लो मैंने यहाँ पर टू कर दिया और यहाँ पर मैंने वन रखा है, तो इन दोनों की जो जो भी है वैल्यू है वो हमें दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सिंपली बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो मैं ज़ीरो पहले लूँगा, टोटल मेरा शुरू में ज़ीरो रहेगा। मैं इसको क्या बोलता हूँ, आप क्या करो यहाँ पर, क्या करो आइटम डॉट क्वांटिटी जो है ना, मल्टीप्लाई करो आइटम डॉट प्राइस से, या फिर आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वान्टिटी, ऐसा भी कर सकते हो। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। आइटम डॉट प्राइस जो है मल्टीप्लाई बाई आइटम डॉट क्वान्टिटी करो, सिंपल, इतना सिंपल है। अब ये सिंपली क्या करेगा, हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऐड करना, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों की जो वैल्यू है
हमें यहाँ पर टोटल से ऐड करनी है, राइट। अब देखिए, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए अभी। ओके, और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब मैं मान लो वैलेंसी ऑरेंज क्लिक करता हूँ, राइट। अब ये छोड़ दो क्योंकि हम लोगों ने यूआई में कुछ डाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 60 रुपीज़ मिलता है, इतना समझ में आ गया। 25 पे क्या है 60 रुपीज़, मतलब ही यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आया, पहले तो जीरो आया, राइट। टोटल के अंदर मैं बोल रहा हूँ, पहले तो जीरो आया, और दूसरा यहाँ पर जो है ना, आइटम प्राइस इंटू आइटम क्वांटिटी, मतलब ही प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो भी आपने क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट है, उसकी प्राइस और क्वांटिटी क्या होते हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो रहा है, क्वांटिटी देखिए 1 हो रहा है। मान लो ये ऐड कर दिया तो ये 120 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, रिटर्न करके भी हमें 120 मिलेगा 25 नंबर पे, इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरह काम हो रहा है, बस यही चीज़ तो हमें चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाके बोल दूँ कि यहाँ पे क्या करो, सब टोटल डाल दो, ये कुछ इस तरह डाल दो, और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अभी मान लो मैं कोई भी यहाँ पर आइटम क्लिक करता हूँ, चलो 60 रुपीज़, देखिए यहाँ पर टोटल आ गई 60 रुपीज़। मान लो मुझे प्रोटीन मिल्क शेक में जाके कॉफ़ी नहीं, चॉकलेट इस बार मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए 50 रुपया है। तो देखिए 60 प्लस 50, 110 रुपया हो गया। इसका मतलब देखिए, हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। तो बस यही चीज़ तो करनी थी हमें इस वीडियो में। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग चेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरह नहीं छोड़ना है, थोड़ा और बेटर बनाते हैं इसको। तो इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको क्या बोलता हूँ, चलो अच्छी बात है आपने ये सब कर लिया। तो यहाँ पर जब आइटम आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइटम डॉट क्वांटिटी अगर 0 से कम है, ओके, या फिर 0 है, राइट, तो सिंपली आप क्या करो ना, आइटम डॉट प्राइस दिखाओ, ठीक है। ये चेक लगाना ज़रूरी है। तो मैं पहले तो अगर पहले तो पहली चीज़ तो 0 आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डाल के रख देते हैं कि भैया आइटम आपका जो है उसकी क्वांटिटी अगर 0 या 0 से कम है तो आइटम प्राइस लगाओ, नहीं तो आप क्या करो, क्या सिंपली जो अभी मैंने लिखा था बस यही कर दो, काम हमारा हो गया। अब फिर से मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, और फिर से देखिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ तो 60 रुपीज़ आ गया, बढ़िया है। अभी इसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ तो सब सही है, इसको मैं कम कर रहा हूँ ये निकल भी जा रहा है। फिर से ऐड करते हैं और फिर से हम लोग जाएंगे आलमंड मिल्क में, और एक छोटा सा वाला, हाँ ये बनाना ले लेते, बनाना इसको मैं कॉपी का सॉरी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपया हो गया, इसको भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए 80 और 140, इसका मतलब यहाँ पर देखिए काम हमारा सब कुछ सही हो रहा है। और आई थिंक हमें हमने यहाँ पर देखिए ये वाला जो कंसेप्ट था, ये वाला जो सब टोटल का काम था, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया। ओके गाइस, तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब टोटल दिखा सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है मेरा मेरे ख्याल से एक आइकन भी था जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, अभी वो क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने कुछ यहाँ पर शायद से निकाल दिया मुझे लग रहा है, या फिर मुझे पता नहीं यहाँ पर आइकन था कि नहीं, बट अगर नहीं है तो टेम्पररी में क्या करता हूँ, रुपीज़ डाल के रख देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको वो फॉन्ट असम वाला जो आइकन है वो दिखाना है और कुछ नहीं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर आइकन तो है, तो ये कॉपी कर सकते हैं, वैसे ऊपर कहीं तो मिल जाएगा हमें, एक सेकेंड कहाँ पर है, प्लस वाला नहीं, हमें रुपी चाहिए ना, तो मैं रुपी सर्च करता हूँ, यस तो दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए एफ एस सॉलिड, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सीधा यहाँ पर डाल देंगे, इसके बाजू में इसके बगल में इसको डाल देंगे, राइट। अभी वो सी एस एस वाला जो भी है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ आ गया, और फिर से चलो मैंने 1 लीटर वाला कुछ ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऐड हो रही है, तो इसका मतलब हम हमारा यहाँ पर देखिए काम सही हो चुका है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।